आज दुर्भाग्य कि आज ओडिशार गोटे निकम्मा सरकार पाई गोटे डबल इंजन सरकार बा रिमोट कंट्रोल सरकार जहाँकर निजर सरकार उपरे किछि अख्तियार नाही सब बेले से माने दिल्ली रिमोट कंट्रोल द्वारा परिचालित हुवंती आज से ही बीजेपी सरकार ओडिशार बीजेपी सरकार रे से स्टील प्लांट आज आंध्र प्रदेश को जाउछि ओडिशा पाई बहुत बड़ दुर्भाग्य से दुर्भाग्य होउछि आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक निजे जापान जाइकी निपन कंपनी रो चेयरमैन तार मालिक सहित आलोचना करी पृथ्वी रो सबुठ बड़ स्टील प्लांट ओडिशा रे करिवा पाई जो उद्यम करथिले जहाँ कि केन्द्रापड़ा रे से स्टील प्लांट हो थांता से स्टील प्लांट आज आंध्र प्रदेश को चली जाऊ अत्यंत ओडिशा पाई दुर्भाग्यजनक ए स्टील प्लांट होते प्राय 1,40,000 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट होता राज्य को रेवेन्यू आसी था राज्यर अनेक युवक माने निजुक्ति व्यवस्था पाई था प्रत्यक्ष निजुक्ति एवं परोक्ष निजुक्तिर व्यवस्था होता ओडिशा गोटे शिल्प समृद्ध राज्य में परिणत होता किंतु आज दुर्भाग्य कि आज ओडिशार गोटे निकम्मा सरकार पाई गोटे डबल इंजन सरकार बा रिमोट कंट्रोल सरकार जहाँकर निजर सरकार उपरे किछि अख्तियार नाही सब बेले से माने दिल्ली रिमोट कंट्रोल द्वारा परिचालित हुवंती आज से ही बीजेपी सरकार ओडिशार बीजेपी सरकार रे से स्टील प्लांट आज आंध्र प्रदेश को जाउछि जहाँ को तैयारी करते आर्सेल मित्तल ओ निपन स्टील एमाने मिसिकी कंपनी को करते ओडिशा रे फैक्ट्री करते ये तो गोटे दुर्भाग्य आर किछि दिन पूर्वरु ओडिशा रे बीजेपी सरकार हवा परे मध्ये आपण माने देखिथिबे आउ गोटे शिल्प JSW इलेक्ट्रिकल व्हीकल जहाँ सहित आम एग्रीमेंट करैंड देवस्था करूँ जो कि प्राय 40,000 कोटी टकर ऊर्ध टा से इनभेस्टमेंट होता एवं से राज्य लाभ पाई निजुक्ति व्यवस्था ओडिशार बेकारी युवक मानू मिल था परोक्ष निजुक्ति एवं प्रत्यक्ष निजुक्ति से स्टील प्लांट आज जाए महाराष्ट्र में तार फाउंडेसन सर सेठी प्लांट करिवा सबुठ बड़ दुर्भाग्य होउछि कि जेतेबेले कौनसी पूंजी निवेशकारी बा इन्वेस्टर कौनसी राज्य रे पूंजी निवेश करती सेतेबेले तांकर से सरकार उपरे विश्वास भरोसा रहिबा दरकार किंतु वर्तमान रो बीजेपी सरकार उपरे ओडिशा रे कौनसी पूंजी निवेशकारी कर विश्वास पाउनी भरोसा पाउनी जो विश्वास नवीन पटनायक प्रति थिला जो विश्वास भरोसा नवीन पटनायक प्रति थिला वर्तमान से विश्वास भरोसा वर्तमान पाउ नाही वर्तमान रो बीजेपी सरकार उपर जो कि शिल्प ओडिशा रु अन्य राज्य को पलाउछि मु आपन को कहि रखिया को चाहिबी ओडिशा नवीन जते बेले नवीन पटनायक ओडिशा रा मुख्यमंत्री थिले सेते बेले आपन माने मध्ये जानिछन्ति सांबादिक भाबरे ओडिशा रे सबुठू अधिक पूंजी निवेश होता भारत बर्षरे एवं जेतेबेले कोविड समय रे भारत बर्षरे कौनसी जगार भी पूंजी निवेश हो नथिला सबुठू अधिक पूंजी निवेश होता ओडिशा रे कारण नवीन पटनायक प्रति तांकर सब पूंजी निवेशकारी विश्वास भरोसा थिला जोति पाई कि इन्वेस्टमेंट आसुथिला एवं आमे राज्य सरकार रेवेन्यू राजस्व धीरे धीरे बढ़ुला जहाँ प्रतिबदल विकासमूलक काम ओडिशा रे त्वरान्वित हो पार्ला खाली खाली इन्वेस्टमेंट मीटिंग कले हेनी आपण मैंने पचारत आज पर्यंत जी मीटिंग करूँ कौन लाभ पाइ ओडिशा कौन लाभ पाई
କୌଣସି ଲାଭ ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଇନଭେଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ ମ୍ୟାନେଜର କି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଭେଟୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକର ପୁଅ ଭେଟୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକମାନେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ କ'ଣ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ କି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ କଳକାରଖାନା ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଗଠନମୂଳକ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନ ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।